Assalamualaikum guys and welcome to another vlog. तो आज हम लोग फिर से डेली व्लॉगिंग पे आए हैं. फिर से डेली व्लॉगिंग, हम पिछले एक हफ्ते से डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं. बीच में हम चैलेंजेस भी कर रहे थे लेकिन आज डेली व्लॉग टाइप का. और आज का व्लॉग इसलिए थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज इनकी नौकरी का पहला दिन है. और बहुत सारे लोग हम में से पूछते रहते हैं कि मनीषा तो शादी के बाद लगता है काम काम छोड़ दिए हैं, छोड़ दिए हैं, काम छोड़ दिए हैं. तो भाई शादी के बाद बंदा थोड़ा नए घर में एडजस्ट होता है. और 2 महीने हुए मेरी शादी को बस. तो क्या हम आप क्या चाह रहे थे मैं शादी के अगले दिन से. शादी का 2 महीने हुए. 2 महीने भी नहीं हुए अभी तक. मेरे से मशवरा लिया था तो उन लोगों ने तो मुझे बोला था पहले 6 मंथ का गैप लो. लेकिन मैं इतना लंबा गैप नहीं लेना चाह रही थी कि मैं वापस प्रैक्टिस में आ जाऊँ. तो खैर अगर आप लोग अब मुझसे अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो करवा दांतों का. पता है काफी लोगों नहीं अंदाजा कि तुम डेंटिस्ट हो या डॉक्टर. डेंटिस्ट डॉक्टर होता है. दांतों का डॉक्टर होता है डेंटिस्ट. भाई जब PhD करने वाला डॉक्टर हो सकता है तो जो इलाज कर रहे हैं दांतों का वो डॉक्टर क्यों नहीं है. कैसी बात है ये. तो अभी ये सीन है कि अभी इट्स अराउंड 1 एंड वी हैव अ शूट. हम लोगों को एक स्टोर रेड करना है तो उसके शूट के लिए जा रहे हैं हम. और कुछ खाया हुआ नहीं है एज यूजुअल. लोग बोलेंगे क्या रूटीन है लोग की. नाश्ता नहीं करता मैं ना सुबह. खाना खाते हैं ना कुछ करते हैं. ओके एक्चुअली जो हमारा वीडियोग्राफर है ना वो पहुंचा हुआ है बेचारा. और वो मुझे काफी देर से बेचारे मैसेज कर रहे हैं कि हम लोग. भाई किसी ने तारक रोड के कब्रिस्तान के बारे में हॉरर बातें सुनी है. भाई मेरा तो पूरा बचपन इस इलाके में गुजरा है. मैंने तो नहीं सुनी. अगर आपने सुनी तो बताए. कब्रिस्तान चल रहा सीधा एक दफा मैंने सुना था यहाँ पर जो है ना. यार ये बेसिकली फुल हो चुका है एंड मेरे दादा यहीं पर ही हैं. मेरे काफी सारे दोस्त भी हैं यहाँ पे. स्पूकी है काफी. ये फुल हो गया है बेसिकली कब्रिस्तान. तो तारक रोड के आसपास कोई रहता है तो जरा बताओ. स्पेशली सोचें जो ये सामने रहते होंगे उनके लिए कितना स्केरी होगा. नहीं है यार स्केरी. पार्किंग वाले पार्किंग सही ना करवाए ऐसे कैसे हो सकता है भाई. अच्छा हम लोग स्टोर पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमने स्टोर रेड करना है. लेकिन मैं आप लोगों को बड़ी अभी इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ कि अभी हमारे सामने एक गाड़ी थी उसमें से लड़कियाँ निकल रही है और अचानक से डिग्गी खुली उसमें से भी दो लड़कियाँ निकली. क्या यार वीडियो डायरेक्ट कर रही हूँ. वीडियो डायरेक्ट अल्लाह. तो मैं ही करती हूँ बस. यहाँ पे भाई फिल्मिंग चल रही है. ट्रांजिशन वीडियो बनाएंगे. ट्रांजिशन वीडियो है. क्या कर रहे हैं. ट्रांजिशन वीडियो बना रहे हैं. क्या से क्या हो गए. क्या कर रहे हैं. हैं चप्पलें उतार रहा हूँ हमारी. शूट कब एंड होगा पता नहीं यार. 1.5 घंटे में मुझे क्लिनिक जाना है और उस 1.5 घंटे में मुझे अपने घर से लैब कोट लेना है अपना. और हमने कुछ खाना भी है और फिर वापस घर आके चेंज करके मुझे क्लिनिक जाना है. तो आई होप सब हो जाए टाइम से. ओके गाइस तो शूट हो गया हमारा. ओ माय गॉड धूप बहुत ज़्यादा है. और अब जो है हम लोग जा रहे हैं मेरा लैब कोट लेने के लिए मेरे घर मतलब मेरी अम्मी के घर. I'll have parma chicken I think. Trust me salted caramel is better. Really? बड़ा बाप ने मंगवाया था अब देखते हैं. मैं चेंज कर लेता हूँ क्या हो गया भाई. नहीं नहीं कोई चेंज नहीं हो रहा. कैरमल फ्रैप होगा आपका. यार क्या नहीं क्या भाई मौका फ्रैप कर लूँ. हाँ मौका फ्रैप कर दे भाई. आज किसी की बैग में हाथ चला गया भाई. ये मेरा नहीं नहीं तुम्हारा ये स्कैम से बच के रहिए. हम लोगों ने ऑर्डर अपना दे दिया और अभी हम मामा के घर जा रहे हैं. सामने ही है अक्रॉस द रोड. ओह नो सब पहुंच जाएंगे मामा के घर. किसी का अच्छा भी नहीं पहुंच पाएगा. साइड की मांग निकाल के वाटर बॉटल गले में टांग के जो है ना ये काम पर जाएंगी. गाड़ी साफ साफ नहीं लग रही है आपको. नहीं बेगम खुद मतलब इतना झूठ तो ना बोलो यार. बेहतर लग रही है. साफ नहीं लग रही. बेहतर तो है ना. देखो मेन क्या है बेहतर लगना. ओके तो मैविश लाइक व्हाट द हेल गाड़ी की चाबी बाहर लगाई दी इन्होंने. वेरी नाइस आंटी. देखे ये बंद कैमरे की आंख ने कवर कर लिया है. ओह गॉड पापा मैविश
जरा ये देखो मम्मा का है। मम्मा जी गाड़ी की चाबी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ ये लगी हुई है। रूफ तो हटा दो, वीडियो बनाने पे लगे। मैं तो पूरी वीडियो बनाई है। कह रही हूँ कि इसकी कॉल आई थी डोर पे, मैं उस वक्त, ये भी मेरी गलती है, और वरीशा के आगे फिर मुझे कुछ और नजर नहीं आता ना। बड़ा अच्छा अम्मा आपने कवर अप किया, ये तो पापा को भी बुरा नहीं लगेगा। ये पूरी चीज आंटी वीडियो में आ गई है वैसे। ओके मेरा ख्याल से हमारा खाना आ गया है। क्या बात है, वी आर ऑन टाइम, आई एम प्राउड ऑफ अस। ये ले भाई कैरमल। ये आपका है? ये मुझे पता है, सबसे खूबसूरत मेरा ही है। आपको सारी खूबसूरत चीजें मिल जाती है असलान। That is true. कैसे? Literally इसकी खुशबू से मैं पागल हो रही हूँ। मुझे अपना क्लब सैंडविच अच्छा ही लग रहा है इसके आगे। वाह। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों का खाना बहुत अच्छा है। और वेट भर गया, अच्छा लग रहा है। अब घर चलता हूँ। इनफैक्ट मैं अब आप लोग को अपने लैब कोट में मिलूंगी। भाई डॉक्टर बहू जो है वो रेडी हो चुकी हैं एंड आज आपका पहला दिन है, तो आप एक्साइटेड हैं? जी जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद कि मैंने लैब कोट पहना है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ, तो आप डेंटिस्ट हैं? जी। अच्छा, मैं डेंटिस्ट हूं। पूछ रहा था कि वो आपका वो हार्ट बीट चेक करने वाला बोलने छोड़ दफा करो। तो भाई ये जा रही हैं अभी अपने क्लिनिक एंड उसके बाद जो है मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस, तो ये वहां व्लॉग करेंगी, मैं वहां व्लॉग करूंगा, फिर जोड़ जाड़ के कुछ ना कुछ आपको एंड में मिल जाएगा। रात में हम जो है साथ व्लॉग एंड कर देंगे इंशाल्लाह। सो यस आप जाएं शाम में एंड कर देंगे, शाम हाँ। आप जाएं फिर आप क्लिनिक जाएं। ओके okay. अच्छा एक मुझे फनी फैक्ट याद आया कि मैं जितनी भी आज तक क्लिनिक्स में काम किया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स फर्स्ट टाइम मैंने यही स्क्रब्स पहने थे, और मैं जब अजलान से भी मिली थी तब भी मैंने यही स्क्रब्स पहने हुए थे। सो आई थिंक दीज आर माई लकी स्क्रब्स। तो भाई मैं स्टूडियो गया, वहाँ पे जाके एक वीडियो शूट किया, फिर मैं घर आ गया, फिर मुझे ख्याल आया कि यार मैंने तो कोई वीडियो बनाई नहीं है वहाँ पर, क्योंकि मैं ऑब्वियसली साथ साथ एडिट भी कर रहा हूँ। जब एडिट कर रहा था तो मुझे ख्याल आया मैंने तो आज के दिन शूट ही नहीं किया। बट खैर वरीशा जो है वो क्लिनिक में है, क्या कर रही हैं वो आपको पता चल जाएगा, थोड़ी देर में वो आने वाली हैं एंड लेट्स वेट, फिर हम कुछ खाना खाने जाएंगे, बस मुझे भूख बहुत लग रही है। तो मैं अभी क्लिनिक पे कुछ चीज़ें देख रही थी, फेमिलियराइज कर रही थी अपने आप को, तो मैं मुझे एक चीज़ देखी, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अच्छा ये देखें वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। ओके गाइज मैं अब निकल रही हूँ, मैं क्लिनिक से फ्री हो गई हूँ, आई एम गोइंग होम एंड लेट्स सी अजलान ने मुझे कितना मिस किया आज। सलाम, कैसा रहा बेटा आज के दिन? अच्छा रहा, टीचर ने डांटा आज मुझे। कितने दांत तोड़े? नहीं आज कुछ ज्यादा नहीं किया, क्योंकि आज मैं थोड़ा फेमिलियराइज कर रही थी अपने आप को, मुझे तो पता नहीं था चीजें कहाँ कहाँ पे, तो ज्यादातर मैं वही देख रही थी, बाकी इट वाज नाइस। अच्छा तो भाई अब क्या सीन है, आपको कैसा लगा मेरे बगैर? यार वक्त बहुत तेजी से गुजर गया, मैंने दिखाया था ना वक्त कितनी तेजी से गुजर गुजरा, तो ये सीन है। क्या सीन है फिर? तो बस अब व्लॉग एंड करते हैं। व्लॉग एंड करते हैं? यस। चलें जी। बाकी अगर आप लोग को मुझसे अपना इलाज करवाने आना हो तो आप आ सकते हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो, और मैं ये कहना चाहूंगा कि सब्सक्राइब कर लो प्लीज, बहुत जरूरत है, सब्सक्राइब कीजिए और देखा करो वीडियोस, अपने दोस्तों को भी भेजा करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब करो, सही है? तो बेल आइकन प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।